स्वाभाविक है कि राजनीति कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहाँ दुदुनी चार ही होता है, राजनीति में दुदुनी पांच भी होता है, दुदुनी तीन भी होता है। इसलिए जो महाराष्ट्र में हुआ वो केवल अकेले महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, अनेक प्रदेशों में समय समय पर होता है। मैं लंबे समय से राजनीति को देख रहा हूँ। कुशल जी, आप सितंबर 2019 में महाराष्ट्र में आए थे और तब लग रहा था कि जो जैसा है वैसा ही होगा। 2014 से 19 तक फडणवीस शिवसेना की सरकार चल रही थी, बीजेपी शिवसेना की, चुनाव में कोई ज्यादा उठा पटक की गुंजाइश नहीं थी और दोबारा फडणवीस चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे यही बात लग रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्थिति अचानक बदल गई और उसके बाद से लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज में रही। आप जब आए तब आपने सोचा था कि आपको इस तरीके से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट में जाना पड़ेगा जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरीके से विपरीत होगी और आपको उसको फेस करना पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे 3 साल 4 महीने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े प्रदेश में रहने का अवसर मिला और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वास था मेरे पर कि मैंने उनके सामने भी कहा है कि मेरी इच्छा न होते हुए मैं आपका सम्मान करता हूं और महाराष्ट्र जैसे संतों के प्रदेश को देवभूमि से जाकर के बिना संतों के देव संतुष्ट भी नहीं होते, और इसलिए संतों के भूमि में जितने दिन सेवा करने का मौका मिलेगा अच्छा लगेगा। तो इसलिए सौभाग्य था कि उनके शुभेच्छा से मैं महाराष्ट्र पहुंचा, और पहुंचा तो स्वाभाविक है कि राजनीति कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि वहाँ दुदुनी चार ही होता है, राजनीति में दुदुनी पांच भी होता है, दुदुनी तीन भी होता है। इसलिए जो महाराष्ट्र में हुआ वो केवल अकेले महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है, अनेक प्रदेशों में समय समय पर होता है। मैं लंबे समय से राजनीति को देख रहा हूँ, भले ही मैं राजनीति में बहुत देर में आया, मैं प्रत्यक्ष राजनीति में बहुत देर में आया 1987 में। तो इसलिए ये कहना कि ये आपने पहले क्या सोचा, पहले सोचा जितना होता है उतना ही हमेशा होता नहीं है, और हम जहाँ भी कहीं भी जाते हैं हमारा एक ही सिद्धांत है, होप फॉर द बेस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और इसलिए हम होप फॉर द बेस्ट करते हैं, हम हमेशा आशावादी हैं, और इस नाते से महाराष्ट्र गए और जो सेवा हो सके की, और आपने एक ही चीज़ कही कंट्रोवर्सी, और आप महाराष्ट्र में जनमत संग्रह कराइए तो मैं सोचता हूँ कि आपको भगत सिंह के चाहने वाले न चाहने वालों से ज्यादा मिलेंगे। इस पे कोई डाउट नहीं है कि राजभवन आपके समय पे लोगों के लिए खुल गया था, मतलब जितने पब्लिक गैदरिंग्स आपने की होगी शायद ही किसी राज्यपाल ने की होगी, ये तो हम सारे देखते हैं।